अध्ययन पथ के पथिक विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल का पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया गया हिंदी विषय में, वह आप लोगों के समक्ष सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा रहा है, जो बोर्ड पैटर्न पर आधारित है। अभी ऐसी सूचना है कि इस पाठ्यक्रम से 30% पाठ्यक्रम कटना है, लेकिन कोई औपचारिक सूचना नहीं है, इसलिए फिर भी इसको आप लोग ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करेंगे। तो यह पाठ्यक्रम बोर्ड प्रश्न पत्र के अनुरूप ही दिया गया है। इसमें पहला पाठ हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। उस विकास के दो चरण विगत कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। इस वर्ष शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग का अध्ययन करना है, जिस पर के 5 अंक निर्धारित हैं। और पहले ही प्रश्न का दूसरा खंड होगा हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत विगत वर्ष आप लोग आजकाल और भक्त काल पढ़ चुके हैं, इस वर्ष रीत काल तथा आधुनिक काल का अध्ययन आप लोगों को करना है। इस पर 5 अंक निर्धारित हैं। दूसरा प्रश्न गद्य जो कि पाठ्यपुस्तक में निर्धारित है, उसके संदर्भ पर 2 अंक, और प्रश्न पत्र में जो रेखांकित अंश होगा उसकी व्याख्या पर 2 अंक, और तीसरा पार्ट उसी प्रश्न का होगा तथ्य परक प्रश्न, ये भी 2 अंक, कुल मिलाकर के 6 अंक होंगे इस पर निर्धारित। अगला प्रश्न तीसरा काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, यानी आपकी पाठ्यपुस्तक में कविता से संबंधित, कवियों से संबंधित जो विषय सामग्री दी गई है उस पर उससे निर्धारित गद्य प्रश्न पत्र में आएगा, जिस पर संदर्भ पर 1 अंक निर्धारित होगा और उसकी व्याख्या पूछी जाएगी 4 अंक, और काव्य सौंदर्य के तत्व पर 1 अंक निर्धारित है, कुल मिलाकर के 6 अंक निर्धारित हैं इस प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संस्कृत में गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसमें संदर्भ पर 1 अंक, अनुवाद पर 3 अंक, कुल मिलाकर के 4 अंक का यह प्रश्न होगा। अगला प्रश्न निर्धारित पाठ के लेखकों एवं कवियों के जीवन का परिचय। आपकी पाठ्यपुस्तक में जो लेखक हैं अथवा जो कवि हैं, तो लेखकों से एक लेखक का जीवन परिचय और उसके रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा, जिस पर 3 अंक निर्धारित है। कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय और उसकी रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा, जिस पर भी 3 अंक निर्धारित है, 3-3-6 अंक, जीवन परिचय पर कुल 6 अंक। अगला प्रश्न है छठे प्रश्न का संस्कृत पाठों से कंठस्थ एक श्लोक। आपकी पाठ्यपुस्तक में जो संस्कृत का भाग है उसमें से एक श्लोक पूछा जाएगा जो कि प्रश्न पत्र में न आया, उस पर 2 अंक निर्धारित है। फिर छठे में ख है संस्कृत पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसका कि उत्तर
संस्कृत में देना है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने पर एक एक अंक यानी कुल मिलाकर के 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। 7वां प्रश्न होगा काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में रस छंद अलंकार है, जिसमें अलग अलग इसका विवरण इस तरह से है। रस, रस में 2 रस, हास्य और करुण रस, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, पहचान पूछी जा सकती है अथवा उदाहरण पूछा जा सकता है। इस पर 2 अंक निर्धारित है। फिर इसी प्रश्न का अगला खंड है अलंकार। विगत वर्ष आप लोग शब्दालंकार के बारे में पढ़े थे, इस वर्ष ये 3 अंक अलंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है, उदाहरण पूछा जा सकता है अथवा 2 या 4 पंक्ति की कविता देकर के पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ये पूछने का ढंग होगा, इस पर 2 अंक निर्धारित हो। और इसी प्रश्न का अगला खंड है छंद। छंद में 2 छंद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। पहला सोरठा छंद, दूसरा रोला छंद। इन छंद दोनों छंदों का लक्षण, उदाहरण अथवा पहचान पूछी जा सकती है। यह 2 अंक का होगा। अब अगला 8वां प्रश्न होगा हिंदी व्याकरण का, जिसके अलग अलग खंड हैं। पहला खंड होगा उपसर्ग का। उपसर्गों में निम्न उपसर्ग अ, अन, अधि, अप, अन, उप, सह, निर, अवि, पर, सु, इन शब्दांशों से बनने वाले पूर्ण शब्द में से कोई भी पूछा जा सकता है। इस पर 3 अंक निर्धारित है। और इसका अगला भाग है प्रत्यय। प्रत्यय में निम्न प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, आई, त्वा, ता, पन, वा, हट, वट। इन शब्दांशों के सहयोग से नए शब्द का निर्माण करना होगा, जिस पर कि 2 अंक निर्धारित है। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। अगला इस प्रश्न का तीसरा ग खंड है समास का। समास में 2 समास विगत वर्ष पढ़ चुके हो, शेष 4 समास इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। द्वंद्व समास, द्विक समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। इन समासों में से कोई भी पूछा जा सकता है। इस पर निर्धारित अंक 2 हैं। और तत्सम शब्द पूछे जा सकते हैं। तत्सम शब्द जिस पर 2 अंक निर्धारित है, पर्यायवाची शब्द कोई भी पूछा जा सकता है जिस पर 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से समास, तत्सम और पर्यायवाची पर 2, 2, 4, 2, 6 कुल 6 अंक निर्धारित हैं। अब अगला प्रश्न होगा 9वां, उसका पहला खंड होगा संस्कृत से, जिसमें कि संधि है। 2 संधियां आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, यण संधि, वृद्धि संधि। इसकी परिभाषा, उदाहरण अथवा पहचान पूछी जा सकती है, जिस पर 2 अंक निर्धारित है। और इसी 9वें का ख खंड होगा शब्द रूप, जो कि आपके पाठ्यपुस्तक में जितने शब्द रूप दिए गए हैं उन्हीं में से पूछा जाएगा, जिस पर 2 अंक निर्धारित होगा। और आपकी पाठ्यपुस्तक में निर्धारित
जो धातुएं दी गई हैं, धातुओं के रूप दिए गए हैं, उनमें से कोई भी धातु पूछा जा सकता है जिस पर दो अंक निर्धारित हैं। इस तरह से संधि, शब्द रूप और धातु रूप तीनों मिलाकर के छह अंक के होंगे। अगला नौवें का घ होगा, हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। दो छोटे छोटे सरल वाक्य हिंदी में आएंगे जिसका कि संस्कृत में अनुवाद करना होगा। प्रत्येक वाक्य एक अंक का होगा, दो वाक्यों का अनुवाद दो अंक का होगा, इस पर दो अंक निर्धारित हैं। फिर अगला प्रश्न होगा निबंध का। निबंध किसी भी विषय पर आ सकता है, समसामयिक गतिविधियों पर आधारित निबंध ज्यादा होंगे और निबंध पर कुल छह अंक निर्धारित किया गया है। और अगला और अंतिम होगा खंड काव्य पर आधारित प्रश्न। पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 9 खंड काव्य चलते हैं। हमारे जौनपुर जिले में कर्ण खंड काव्य निर्धारित किया गया है, तो इस कर्ण खंड काव्य की संक्षिप्त कथा पूछी जा सकती है, सारांश पूछा जा सकता है, कोई एक घटना पूछी जा सकती है, या उस खंड काव्य के किसी नायक नायिका या पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है जिस पर 3 अंक निर्धारित है। इस तरीके से कुल 70 अंक निर्धारित है। 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन पर निर्धारित है जो 3 चरणों में विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के क्रियाकलाप और उनके कार्यों पर दिया जाएगा। इस तरह से यह हिंदी विषय 70 अंक लिखित और 30 अंक विद्यालय के आंतरिक कार्य पर कुल 100 अंक का होगा। तो आज यह सामान्य परिचय कि हमको क्या पढ़ना है, इसके बाहर नहीं जाना है, इसी के अंदर अपनी तैयारी करनी है, तो हम इसको नोट करेंगे, इसी के अनुरूप आगे बढ़ेंगे। फिर अगले दिन हम हिंदी गद्य साहित्य के विकास संक्षिप्त परिचय में शुक्ल युग से आगे की तरफ क्रमशः कदम बढ़ाएंगे और इसी के अनुरूप अध्ययन अध्यापन जारी रहेगा।